हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये है अजमेर में, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से दोनों फिलहाल जा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे मित्तल मॉल। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला आज का, तो बने रहेगा ना। ये दोस्तों बजरंगगढ़ मंदिर अजमेर, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। ये थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी ऊँचाई पर है। मैडम तो बोल रही है कितनी सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियाँ तो अभी बहुत है। हेलो, तो देखिए अभी से थक गए हाँ, ये हालत अभी से हाँ। बालाजी की भगत है ना तू, तो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, बजरंगगढ़ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी सीढ़ी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा सीढ़ी है। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अजमेर। अजमेर को हम दिखाने वाले हैं चारों तरफ। थोड़ा ऊपर की तरफ चलते पहले, उसके बाद आप कहेंगे। तो ये देखिए थक गए है ना अभी से। तो गाइस फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं, ये देखिए इसकी हालत ऐसी हो चुकी है अभी से। चल थोड़ी पास है, तो जितना भारी नहीं है ना उतना भारी बना रही है। हेलो, यहाँ से बताए एक बार कैसा व्यू लग रहा है, व्यू कैसा है? बहुत शानदार। ये देखिए दोस्त, ये अजमेर है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आना सागर जिले पास में है ना, तो पहले आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ, फिर आपको दिखाएंगे। ये आना सागर भी है, काफ़ी खूबसूरत व्यू आएगा यहाँ से है ना। तो दोस्तों ये है बजरंगगढ़ बालाजी का, यहाँ पहले अपन दर्शन कर लेते हैं। हालांकि यहाँ का व्लॉग ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों बालाजी के दर्शन कर लेते हैं पहले। बजरंगगढ़ जो बालाजी का मंदिर है, इसके जस्ट पास में है आनासागर झील। जी हाँ, तो बोट जा रही है, जहाज बहुत ही स्पीड से जा रहा। देखिए ये देखिए, और यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत और प्यारा। और यहाँ पे जो बालाजी का मंदिर बना है, यहाँ से अगर आप आनासागर झील का व्यू देखोगे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा। और इसके पास में ये सुभाष उद्यान है, देखिए उद्यान काफ़ी खूबसूरत है, गार्डन है सुभाष उद्यान, जिसको बारादरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये देखिए सामने बोट और जा रही है एक, लेकिन वो स्पीड वाली बोट है, ये भी स्पीड वाली है, देखना इसकी स्पीड बनेगी थोड़ी देर में। तो खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए आना सागर झील अजमेर ज़िले के बीचों बीच में बसी हुई है। काफ़ी खूबसूरत अजमेर की जो खूबसूरती है, इसी से आपको देखने को मिलती है। अजमेर की खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ा देती है आना सागर झील। और आना सागर चौपाटी है, काफ़ी बड़ी चौपाटी, इस झील के चारों तरफ चौपाटी बनी हुई है। और वहाँ पर सेवन वंडर पार्क बना हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये दिख रहा है, वो देखिए एफिल टावर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब चलते हैं अपन मित्तल मॉल की तरफ, ठीक है। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ आनासागर झील चौपाटी के पास में, बजरंगगढ़ जो मंदिर है वहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ पूरा अजमेर का व्यू। काफ़ी खूबसूरत और प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देखिए बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ। तो वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। सो गाइस यहाँ से अजमेर का व्यू देखिए एक बार। तो फिलहाल अपन चलते हैं मित्तल मॉल की तरफ, और ये बालाजी का मंदिर, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। और किंग मेकर बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मित्तल मॉल, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा मॉल बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए बिल्कुल नज़ारा बाहर से, हालांकि आपको अंदर भी दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत ये मॉल बना है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर बताई जा रही है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। यहाँ पर देखिए सामने ये रोड निकल रहा है, मेन रोड। तो ये सबसे बड़ा मॉल बन के तैयार हो चुका है अजमेर का, मित्तल मॉल, ठीक है। तो फिलहाल
26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में बाहर कुछ शानदार डेकोरेशन कर रखी है और अच्छे अच्छे सॉन्ग भी चल रहे हैं, देशभक्ति सॉन्ग, तो वो चीज़ें हैं सारी अंदर जाके आपको दिखाने वाले हैं। बने रहेगा वीडियो में, मित्तल मॉल को देखना मिस ना करें, जल्दी से वीडियो के अंदर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा फटाफट से। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है मित्तल मॉल, अजमेर का सबसे बड़ा मॉल जिसका मेन गेट है यहाँ पे। देखिए, आज 26 जनवरी है तो उसके उपलक्ष्य में सजाया हुआ है। ओह, तो दोस्तों हमारे मॉल में ये देखिए भाई साहब, वाह कितना खूबसूरत है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, ये है मित्तल मॉल। जी हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अपने पति का नाम भी ले सकते हैं जल्दी, रमेश बाबू का नाम अपने वाला करो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर एक औरत का सुहाग होता है, सर का ताज होता है, एक चुटकी सिंदूर। यस सर, आपका मन है तो बोल दो, सिंदूर आती है। हाँ, सो दोस्तों ये हम मित्तल मॉल में, और भाई साहब बहुत ही शानदार, ये देखिए, ओ सुरेंद्र, तो ये लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत और शानदार मॉल है ये बना हुआ, अजमेर का सबसे बड़ा मॉल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, व्यू काफ़ी अच्छा है, लाजवाब है, शानदार है, ज़बरदस्त है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, सॉरी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, भारत का तिरंगा लगा हुआ। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में इसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। ये देखिए, घूमते हैं थोड़ा। ये देखिए हमारा कटप्पा, इसको भी थोड़ा नज़र से देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये वॉशरूम है और यहाँ पे डायरेक्ट हाथ धोने के लिए, ये देखिए डायरेक्ट पानी आ जाता है। ये देखिए, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे आप फिर हाथ गर्म कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक हो रही है, गर्म गर्म हो रही है। तो ये है कपड़े की शॉप, बहुत ही ज़्यादा महंगे यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे। हालांकि हमने शूज की रेट यहाँ पे डिस्कस की थी तो 15,000 के शूज भाई साहब, देख के वापस आ गए हम तो। यहाँ पे गेमिंग का भी है बनाया हुआ, काफी खूबसूरत है। एक अपाई रेट देख, एक बार एक बार ये देखिए, ये क्या है, 300 रुपये का हो गया ना, 299 है तो 300 रुपये का, तो इतने महंगे महंगे मॉल है भाई साहब, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें इसके अंदर। नॉर्मल सूच ये क्या है, ये 99 रुपये की, हाँ ये तो ठीक है, सबसे सस्ती चीज़ यही दी कि मन, सबसे सस्ती चीज़ है ये। अब तो देखिए यहाँ पे सब्जी का थैला भी यहाँ पे, ये देखिए कितने रुपए का भाई, 800 रुपए का सर, ये देखिए, ओ तेरी तो 800 रुपए का, 2000 रुपये और कह रहे हो तो बड़ो वालों थैलो आ जाए था, ठीक है। हाँ कितना को है, अरे कितने का है भाई, ये है अपने 350 रुपए का, 350 नॉर्मल डब्बा है ना, 350 रुपए का, आराम शुगर भरी है इसमें। अच्छा तो मैडम जींस देख रही है,